हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं बशीर। इंडियन हैकर का गाइस वीडियो लेकर आए हैं, हमारे फेवरेट एक तरह से यूट्यूबर है ये। इन्होंने आज बनाया, मतलब वीडियो का जो टाइटल है वो है, इस भारतीय ने बनाया 1000 टन मट्टी से राम मंदिर। आप भी दर्शन कीजिए, मतलब 1000 टन मट्टी यूज करके राम मंदिर बनाया है उस बंदे ने। मेहनत इतनी की है, आप भी दर्शन कीजिए, देखते हैं कैसा बना है भाई। देखो यार, राम मंदिर बनने से पहले लोग कितना अपना अपना कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। कानून करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। तो गाइस यार, मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम है अजय सिंह जी रावत, और वो है एक बहुत ही तगड़े सैंड आर्टिस्ट, यानी कि वो मिट्टी से कई सारी कलाकृतियां बनाते हैं और कई सारी चीजें बनाने में एक्सपर्ट है। तो उनका मेरे पास अभी अभी कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि भैया, आपके लिए और स्पेशली आपकी जो टाइटेनियम आर्मी यानी कि अमन सब लोग है, उनके लिए एक सरप्राइज है। तो गाइस यार चले, अभी चले यार, चलो अभी चले, अभी चले। तो गाइस यार चलो, देखते हैं कि उन्होंने टाइटेनियम आर्मी के लिए क्या सरप्राइज बनाया है। वो एक अच्छे आर्टिस्ट है, तो मे भी कुछ अच्छा या फिर यूनिक बनाया होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया टाइटेनियम आर्मी के लिए स्पेशली है, तो इसका वीडियो जरूर शूट करना। तो चलो वहीं चल के देखते हैं कि भैया क्या है या फिर क्या सरप्राइज है अपन लोगों के लिए। अगर आपको सरप्राइज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मजा आएगा, बढ़िया। तो गाइस मैं इनकी बात कर रहा था, ये हमारे परम मित्र अजय जी, इनकी कला के जो पर्चे हैं ना भैया, पूरी दुनिया में फेमस है। तो कहा है हमारा सरप्राइज का है, बिल्कुल आपके लिए मैं स्पेशल सरप्राइज बनाया, आप अंदर चलिए। तो गाइस पहले सरप्राइज से पहले, अच्छा वो पर्दा लगा रखा है, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई की जो कलाकारी है वो वर्ल्ड फेमस है। ये देखो इधर भैया, दूर दूर से लोग आते हैं। तो भाई भाई की जो कला है वर्ल्ड फेमस है। ये देखो भाई का जो भी भाई करते हैं, ये देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे भोलेनाथ जी। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज है। तो ये क्या शो करता है? इलेक्शन के लिए मनुवार कर रहा है। अच्छा, तो गाइस अभी बीते कुछ दिनों में इलेक्शन हुए थे, तो ये इसका प्रतीक है कि भैया सभी को वोट देना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे कैमल है, ये वोट भी मनुवार कर रहा है। तो ये कैमल जो है, अच्छा ये वोटिंग मशीन है गाइस, ये वोटिंग मशीन है गाइस। पिछली बार अलग थी, इस बार आपने सारी अलग अलग कलाकृतियां बना दी। चेंज करता रहता हूं, डेली में काम करता हूं यहां पर। क्या बात है, यहां पर भी आप देख सकते हैं एक सुंदर कलाकारी है गाइस, यहां पर भी और यहां पे देखो गाइस। ये लॉर्ड बुद्धा है, कमल पे सो रहे हैं। कितने टाइम पहले बनाई थी आपने ये? इसको 3 महीने लगभग। अच्छा 3 महीने पहले, तो ये अभी तक भी खराब क्यों नहीं है? मतलब बहुत हार्ड हो जाती है सूखने के बाद, तो नेचुरल रह जाती है। ये यहाँ पे शानदार कलाकृति है, एक यहाँ पे भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये किस चीज से बनी है, तो मैं आपको बता दूं। ये देखो, ये जो आप पूरा महल देख रहे हैं ना गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बना, और सिर्फ और सिर्फ हाथों से बना, पूरा हाथ से। तो गाइस जो भी आप कलाकारी देख रहे हैं ना, ये पूरी हाथ से बनी है। राजस्थान का कोई महल लग रहा है। इसके अंदर कुछ भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई भी कॉन्क्रीट, कोई भी स्टोन इसके अंदर इस्तेमाल में नहीं लिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। ये देखो थोड़ा सा दिखा दो, तो गाइस ये प्रूफ देने के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये मिट्टी बहुत ज्यादा टाइट हुई है। देखो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, कि कोई भी लोहे का केज नहीं बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से। आप देख सकते हैं कितना शानदार बनाया गया। ये देखो भाई की जो कलाकारी है वो वैसे तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन भाई ज्यादातर जो है हमारे पुष्कर के अंदर ही चीजें बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आई लव पुष्कर। तो गाइस यार यहाँ पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, और भैया यहाँ पे जो है अभी जो है भाई ने मेरे लिए स्पेशली इस जगह को बंद कर रखा है, वरना तो भैया यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। ये देखो एक और चीज, अरे वाह यहाँ बैठो ना सर, अब देखो गाइस है ना मस्त चीज। ये मस्त है यार, इतना बड़ा। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 15 फीट है। 15 फीट जी। तो भाई इसको बनाने में कितना दिन लगे? पूरे 15 दिन लगे। पूरे 15 दिन, 15 दिन मतलब। तो पहले मिट्टी को गीला किया जाता है या फिर कैसे करते हैं? सबसे पहले मिट्टी का ढेर करता हूँ, पानी डाल के उसके बाद में ऊपर से कटिंग करना शुरू कर देता हूँ। और कमाल की बात ये है कि ये सारी जो चीजें हैं भाई अकेले ही बनाते हैं, ठीक है? कितना ही टाइम लगे लेकिन भाई जब जो एंड रिजल्ट निकल के आता है वो आपके सामने। अच्छा हमारा सरप्राइज का है जो आपने, ये तो मैंने पहले देख रखे हैं, भाई ने एक नई चीज बनाई है, अब ये मुझे बता नहीं रहे, इन्होंने बस मुझे कॉल किया कि भाई आओ आपके लिए एक स्पेशल चीज बनाई है। वैसे तो सबके लिए है लेकिन ये पहले मुझे दिखाना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पे है हमारा सरप्राइज, पता डाउन नहीं दिखूंगा, आपके आंखें बंद करो। अच्छा तो गाइस यार मेरे साथ साथ आप होने वाले हैं, ये रहा आपका सरप्राइज। सेम बनाया, क्या बात
बात है सर, इस बार तो भाई अजय जी ने कमाल ही कर दिया है यार। ये सबसे ब्यूटीफुल, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? उसको पूरा एक महीना लग गया, एक महीने से पूरा लगा हूँ भाई यार, एक महीना लग गया। ये शानदार चीज आप देख रहे हैं। सबसे मेन बात तो ये एक आस्था का विषय है और जय श्री राम। ब्यूटीफुल बनाया यार, सबसे ब्यूटीफुल बनाया यार, वाकई यार। और ड्रोन व्यू में आप देखो कैसे लग रहा है, अब ये देखो यार, ओए बोलो बोलो, बहुत प्यारा, आला आला, ये देखो, ये हिंदी में गाइस क्या लिखा हुआ है प्लीज बता दो। जय श्री राम देखा होगा। हां यार, जय श्री राम, ये तो राम मंदिर। हां भाई, वाह वाह भाई यार, भाई ने जो है क्या चीज बनाई है यार, ये देखो एक महीना लगा, मिट्टी लग गई इसमें पूरी 1000 टन के आसपास। 1000 टन? हाँ। अच्छा, ये पूरा नीचे तो पूरा बेस पीछे में सपोर्ट देना पड़ता है काफी, जितना मिट्टी बनाने में लगा उससे 3 गुना मिट्टी इसके पीछे में सपोर्ट में लगा। अच्छा पीछे, गाइस आ जाओ, मैं पीछे से भी आपको दिखाता हूँ। सच में मजा आया, मान गया इस बार तो, मैं मान गया। गाइस आप देख सकते हैं पीछे की तरफ इतनी सारी मिट्टी इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद में ही इसके ऊपर आप जो है अपनी कला दिखा सकते हैं। देखो पूरा ये इतनी सारी मिट्टी है, देखो ऊपर वाला जो है ऐसी कलाकारी बहुत कम ही लोगों को देता है, लेकिन मजेदारी उसकी होती है जो कि उस कला को पहचान पाए, उस पे काम करे और भाई बहुत मेहनत करते हैं तब जाके ऐसी चीज बन पाती है। ऐसी कोई चीज दो अगर मैं आपको ना दिखाऊं तो फिर मतलब ही क्या भैया यार, ऐसी चीजें पता होनी चाहिए लोगों को, लोगों को पता होना चाहिए कि भैया हमारे देश में भी, भारत के अंदर भी ऐसे कलाकार बैठे। आ जाओ गाइस, बहुत ज्यादा विशाल है। हाइट कितनी इसकी? इनकी हाइट है 23 फीट। तो गाइस 23 फीट इसकी हाइट। तो गाइस यार अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पुष्कर में कोई आएगा, यहाँ विजिट करेगा तो बातें दूर दूर तक जाएगी, टूरिज्म प्रमोट होगा, साथ ही साथ लोग जो है खुश होंगे, सारी चीजें दिखेगी। बस मेरा भी यही उद्देश्य रहता है, मेरे को कोई भी ऐसी चीज जाती है ना जो कि मतलब ऐसा कोई बंदा हो जो मेहनत कर रहा हो, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक चैनल है, ऑडियंस है, तो क्यों ना लोगों के साथ में इस चीज को शेयर किया जाए। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई मैं सच बोलूंगा यार, भाई के लिए यार और भी थी, वो महल भी था, वो दूसरी, लेकिन यार मेहनत तो चेक करो, ये चीज बनी है ना भाई, इन भाई ने मेहनत अकेले बनाया, अकेले एक महीना या फिर आते होंगे, फिर उसको तराशते होंगे, फिर ये करते होंगे, फिर तराशते होंगे, कितनी मेहनत भाई, कितना टाइम, एक महीना यार, बीच में बारिश भी आती होगी, कुछ ना कुछ होता होगा, बारिश उसको देख लो फिर किस तरह किया यार, मानना पड़ेगा यार। और ये जो दिल से किया है इन्होंने सब कुछ, क्योंकि देखो 500 साल बाद जब लॉर्ड राम की वापसी हो रही है तो भाई फिर उसके लिए तो अलग जो है ना, तो जाहिर बात है फिर उसके लिए पूरा भारत एक्साइटेड है और अपने कुछ ना कुछ हर कोई बना के अपना मतलब। देखो हमने काफी सारी चीजें देख ली, 90,000 किलो लड्डू चढ़ाए, क्या कुछ नहीं था, अगरबत्ती, अब ये भी उसके बाद दिए, और उसके बाद फिर मतलब मुख्तलिफ चीजें जो उसमें, आज ये भी जुड़ गया भाई, आज ये भी जुड़ गया, क्या बात है यार। आपको भी इसका कहना है, कमेंट सेक्शन में हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।